जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान फ्रॉम बिजनेस ऑन व्हील्स। और आज हम आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं, जो कि ये नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे है, वो है ये एक सुजुकी के अंदर हमने बनाया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसके अंदर क्या क्या लगा है। पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और ये इसकी लुक आप चेक कर लें पहले कि ये किस तरह से लगती है। इट लुक सुपर अट्रैक्टिव, और रात में जब खड़ी होगी किसी भी जगह पे तो नोबडी कैन मिस इट। मैं आपको यहाँ इसकी बैक दिखा देता हूँ। दिस इज द एंट्रेंस एंड द एग्जिट डोर। और ये नीचे स्टेप दिया गया है ताकि इजी एक्सेस के लिए आपके। और ये इसके डोर्स हैं। ये गैस कैबिनेट लगी हुई है। और ये इसका साइड प्रोफाइल है जिसके अंदर ये काउंटर है, इक्विपमेंट काउंटर है। फ्लैप्स हाइड्रोलिक के साथ लगे हुए हैं। नीचे वालों को एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रॉड लगाए गए हैं और चेन लगाई गई है। और ये इसका ये साइड व्यू है। और मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड और क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट हमने लगाया है, किस तरह से सेटिंग हुई है। एज यूजुअल राइट साइड पे इसका कैश के लिए सर्विस काउंटर बनाया गया है, कैश ड्रॉवर है, शेल्फ दिए गए हैं। और ये इसमें फुल साइज टेक्सस बुल का अमेरिकन डेक ओवन लगा है पिज्जा के लिए। ये इजीली अकोमोडेट कर लेगा 4 से 5 लार्ज पिज्जा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग के हिसाब से ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये इसके एग्जॉस्ट के लिए ऊपर हमने पाइप दिया है जो छत से बाहर निकल रहा है ताकि कोई हीटिंग यहाँ ना आए। और ये इसका जो फास्ट फूड का सेटअप है, जो कि इसमें फ्रायर लगे हुए हैं, तो एक सिंगल टैंक डबल बास्केट, एक सिंगल टैंक सिंगल बास्केट, बीच में सीजनिंग है। और ये इसकी हॉट प्लेट है बर्गर्स के लिए। और ये इसके फोल्डिंग हमने बनाए हैं, एसएस का काउंटर है जिसके ऊपर रख के बर्गर असेंबल कर सकते हैं या कोई भी आप चीज पैकिंग कर सकते हैं। ये ऐसे बैठ जाता है और इसी तरह से ये ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसके नीचे इसके स्टैंड लग जाते हैं। ये स्पेस सेविंग में भी काम करता है आपका, कि स्पेस ज्यादा नहीं लेगा। और इसी तरह से पिज्जा डोन रखने के लिए, पिज्जा बनाने के लिए ये हमने एक टेबल पूरा बनाया है। इसके ऊपर लोकोबॉन्ड की शीट लगी हुई है जो कि आटा वगैरह स्टिक नहीं करेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इस आप पिज्जा बनाएंगे और पिज्जा बनाने के बाद आप इसके अंदर टॉपिंग वगैरह करने के बाद आप ओवन में डाल देंगे। और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इजी मेंटेनेंस के लिए हमने क्या किया है। ओवन को क्योंकि आप बार बार बाहर नहीं निकाल सकते, इट्स वेरी हैवी, तो हमने उसके लिए कैबिनेट एक्स्ट्रा बनाई है दोनों साइड पे। क्या कि जब भी आपने मेंटेन करना है ओवन, वो बस ये फ्लैप आप खोलेंगे और ओवन के इजीली यहाँ जो स्क्रूज नजर आ रहे हैं ये खुलेंगे और यहाँ से मेंटेनेंस हो जाएगी। यू डोंट रियली हैव टू टेक आउट द ओवन। और इसी तरह से इसका एक फ्लैप लेफ्ट साइड पे भी दिया गया है कि अगर मेंटेनेंस की वहां से जरूरत पड़ती है तो आप यहां से इसको खोल सकते हैं और इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत आरामदायक डिजाइन है और बहुत प्रैक्टिकल है। इसी तरह से इसके ऊपर एक चिमनी दी गई है जो इसका एग्जॉस्ट वहां पे निकल रहा है उसको कवर करने के लिए, ताकि पानी वगैरह से बच के रहे। और ये दोबारा मैं आपको इसके एक लुक दिखा देता हूँ कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ये प्रोजेक्ट हमारा हैदराबाद जा रहा है और इंशाल्लाह लाइन के काम में ही बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनी है। और आपको भी अगर अपने किसी भी फूड कार्ट के हवाले से कोई भी रिक्वायरमेंट है तो जिसकी वजह से कॉल 0347-207-5662 और हमारा फेसबुक आप विजिट कर सकते हैं VOW पाकिस्तान के नाम से। और आपको वहाँ पे हमारे जितनी भी अभी रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सब डिटेल्स मिल जाएंगी। और हम कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाते हैं, जिस भी तरह का आपको चाहिए होगा हम उस तरह से ऑर्डर पे तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।